तो आयुष यार आज चिल्ड्रंस डे है, पता है तेरे को? हाँ तो बचपन याद नहीं आ रहा तेरे को अपना? वो जगह याद आ रही है जहाँ अपन बहुत घूमते थे बचपन में, मतलब डेली एक बार वहाँ हाजिरी लगाते थे? मंदिर। मंदिर तो वहीं चलते हैं। तो बाइक लेके चले, गाड़ी लेके चले, कैसे चलना है भाई जिससे पोल्यूशन नहीं? स्कूटर अपने पास है, कैंपियर का मैग्नस CX, इलेक्ट्रिक है वो। अच्छा इलेक्ट्रिक है। हाँ तो पोल्यूशन फ्री राइड करते हैं आज और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं कुछ। चलते हैं टेम्पल अभी। सेरा हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आज जो है इस पे अपन राइड करने वाले हैं, पोल्यूशन फ्री राइड होने वाली है। और यहाँ पे जो है ना, ये अपने पास है एम्पियर का मैग्नस EX। इनके पास तीन पावरफुल स्कूटर है, एक तो ये है मैग्नस EX, एक प्राइमस है और जो है एक जील EX है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने फेवरेट प्लेस और उसके बाद फिर स्कूटर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे और यहाँ पे ना बचपन में बहुत आए थे, मतलब हम कहीं और जाएं ना जाएं बट यहाँ ऐसी लत लग गई थी भाई, यहाँ पे डेली हम आते थे इस मंदिर में। ये बाबा प्रकाशपुरी का मंदिर है गुड़गांव में भाई, जो लोग आते हैं वो जानते हैं वो लोग इसको। तो आयुष भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? फाइनली याद है, ताजा हो गई भाई आज। बिल्कुल हो गई, वो दिन बढ़िया था। और मजा आया इलेक्ट्रिक पे? अरे ये इसका बताना मेरे को भाई, इलेक्ट्रिक का अलग ही मजा है यार। और बार हम कभी साइकिल पे भी आते थे, कभी गाड़ी में, बट वो मजा नहीं है जो इलेक्ट्रिक में है। अरे आपस में अपन बात करते तो अपनी आवाज आती है, गाड़ी की आवाज नहीं आती है। तो इसके बारे में बताना मेरे को, क्या स्कूटर के बारे में? हाँ। बाद में बताता हूँ, पहले अपन दर्शन करके आते हैं। तभी जो ना दर्शन करके आ गए और अभी जो आयुष को जानना था स्कूटर के बारे में, पीछे लगा पड़ा है भाई, इसके बारे में तो बता दे क्या है। तो अभी इसको बताता हूँ सारी चीजें। तो भाई अब मेरे को बता इस स्कूटर के बारे में, मेरे को लेना मेरी बहन के लिए स्कूटर। क्या पूछना? तो इसका मतलब लाइक मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं यार कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक है ना ये, पता है 15 पैसे पर किलोमीटर। अब तू सोच एक रुपए में कितने किलोमीटर चलेगा। अच्छा हाँ। कलर कौन से आते हैं, कितने कलर है इसमें? तीन है, तीनों ही जो है मतलब आइकॉनिक इंडिया से इंस्पायर्ड। जैसे अभी एक तो तेरे सामने ग्रे कलर, एक इसमें आता है रॉयल बंगाल टाइगर और तीसरा एक और है इंडिगो टाइगर, मतलब नेम थोड़े डिफरेंट। वो वेबसाइट वगैरह, हाँ वो वेबसाइट ना, तो चेक करेगा तो तीनों कलर तेरे को मिल जाएंगे। और रेंज कितनी है इसकी? रेंज है इसकी 100 की है, 100 किलोमीटर, मतलब एक चार्ज पे 100 किलोमीटर चल जाता है। एक चार्ज पे 100 किलोमीटर चल जाता है, सही है। और क्या डेली सिटी का मीटर करना है थोड़ा बहुत, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कूटर है। कंफर्ट वगैरह कैसा है इसका? कंफर्ट तू बैठ के देख ले इस पे, लेग स्पेस देख तू, मेन तो ये चीज़ पैर रखने की बहुत जगह है, सामान वगैरह भी रख के ला सकते हैं, में पिलियन को बिठा ले वो भी कंफर्टेबली बैठे, पीछे भी बढ़िया जगह है और बूट स्पेस भी इसमें बढ़िया है। बाकी मोटर जो इसमें 2.3 किलोवाट की है, अच्छा बढ़िया पावर देती है। और इसमें तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी, रिवर्स। तो रिवर्स भी जो है मतलब तेरे को पैर से पीछे नहीं खिसकाना, सिर्फ मोड डाल और जो है पीछे जाएगा। अब मोटर इसके अंदर मिलती है जो बढ़िया रिस्पॉन्स देती है। बाकी इसमें वारंटी वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है, 3 साल की है और किलोमीटर में बताऊं तो 20,000 की कुछ है, मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। एक्सटेंड भी करा सकते तू वारंटी। ओके तो भाई ये बता चार्ज कितने टाइम में होता है ये 100 किलोमीटर चल रहा है? तो रात को लगा दे, सुबह तक फुल चार्ज हो जाता है। मतलब मैं तो ऑफिस से आता हूँ रात में 9-10 बजे के आसपास, तो सुबह मिल जाएगा 7-8 बजे तक चार्ज? 5 से 7 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में, सुबह तक बिल्कुल हो जाता है फुल चार्ज। सही है। ऑल ओवर इंडिया में ना 400+ डीलरशिप है, 400 शोरूम है इनके, और ऑलरेडी 1 लाख मैग्नस EX बेच चुके हैं। अच्छा। और अराउंड 2 लाख का कुछ जो है कस्टमर माइलस्टोन इन्होंने क्रॉस किया है। तो भाई ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे कंपनी पे अपन? यार तूने नाम सुना है ग्रीव्स कॉटन का? वो तो शायद बहुत पुरानी है। हाँ 164 साल पुरानी, उसके नीचे ही आती है ग्रीव्स एम्पियर। तो चल तेरे हिसाब से तो स्कूटर बेस्ट है, मतलब ले लूं अपने सिस्टर के लिए? ले सकता है बिल्कुल। तो अभी चल चला के देखते हैं, तू बैठ मैं चलाऊंगा इसको। चल दो लोगों के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आती इसको? नहीं यार मतलब कंफर्टेबली चलता है, बिल्कुल स्मूथ। और पावर तो बहुत है यार इसमें। हाँ, अभी सेकंड मोड में है, सिटी मोड में। अच्छा जी मजा आया, मस्त है भाई ये एकदम साइलेंट और है भी बढ़िया चीज। बुक करवा देता हूँ, कुछ वेटिंग वगैरह है इसके ऊपर? नहीं कुछ वेटिंग नहीं है, मिल जाएगा। चलो सही है। तो गाइस हम तो जो है भाई इलेक्ट्रिक की जो है ना राइड एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोगों को भी जो है छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब अभी बच्चे देख रहे हैं फिर कोई भी देख रहे हैं, तो यार सपोर्ट करो, क्योंकि इतना जो पोल्यूशन हो रहा है ना आगे जाके जो है और भी दिक्कतें हो जाएंगी अपनी जो जनरेशन है ना उसके लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, विदाउट मास्क के घूम नहीं पाओगे, जो आज़ादी है ना पूरी छीन ली जाएगी यदि आप पोल्यूशन जो ऐसे ही करते रहे। तो इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करो यार, इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, इलेक्ट्रिक कार लो। अभी तो इंडिया में ऑप्शन आपके पास कार्स में भी है, स्कूटर्स में भी, ढेर सारे ऑप्शन, बट मैं बोलूँगा आप इस स्कूटर की तरफ जाना चाहे तो जा सकते हो। ये जो है ना बेस्ट लगा मेरे को तो अभी तक का इलेक्ट्रिक स्कूटर, मेनली जो है मेरे को कंफर्ट और जो है रेंज पावर ये सारी चीजें इसकी सही लगी। तो आप लोग भी ले सकते हो इसको, आज चिल्ड्रन डे पे मैं बुक करवा रहा हूँ अपनी सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए। बट अभी तो यार शोरूम बंद हो गए, कल चलेंगे सुबह। ऑनलाइन करवा दूंगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी तू करा सकते, ऑनलाइन करवा देंगे। चलो तो बाय जी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।